हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास एक एसस का लैपटॉप है और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। जब भी हम इसको ऑन कर रहे हैं तो यह बायोस सेटिंग में हमें ले जा रहा है और हमारा विंडोज इसमें डला हुआ था वो ओपन नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो एक सोल्यूशन वीडियो होने वाला है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर जो है ऑन करना है। ऑन करते ही आपका जो लैपटॉप है वो बायोस सेटिंग में चला जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी टैब में जाना है। तो सिक्योरिटी टैब में जाने के लिए आप एरो की मदद से जा सकते हैं। आप राइट एरो को प्रेस करेंगे तो फाइनली आप जब सिक्योरिटी टैब में आ जाएं तो आपको डाउन की को प्रेस करते हुए इस पेज को स्क्रॉल करना है। तो जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योर बूट मेनू का एक सेक्शन दिखेगा। आपको इस पर अपना जो कर्सर है डाउन एरो की मदद से ले जाना है और इंटर प्रेस करना है। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी और उसमें दो ऑप्शन होंगे, इनेबल और डिसेबल का। आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे और चले जाएंगे बूट वाले सेक्शन में। बूट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा लॉन्च CSM। आपको डाउन की मदद से इस पर आपको अपना कर्सर ले जाना है और इंटर प्रेस करना है। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोबारा से आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जहाँ पर लिखा होगा इनेबल और डिसेबल। तो आपको इसको इनेबल कर देना है। तो इतना करने के बाद आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F10 को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि यह सेटिंग सेव हो जाएगी और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, या आप एग्ज़िट में जाकर इसको एग्ज़िट कर दीजिए। तो इस तरह आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।